हेलो एवरीबॉडी, आकाश एजुकेयर में आपका स्वागत है। आज हम वृत्त से संबंधित ज्यामिति में उसकी जीवा और चाप द्वारा बनाए गए विभिन्न कोणों से संबंधित समस्याओं को हल करेंगे। पहली समस्या, पहला प्रश्न, संलग्न चित्र में कोण बी ए सी 30 डिग्री है तो कोण एडीसी का मान ज्ञात कीजिए। ADC जो कोण हम मान ज्ञात करना चाहते हैं वो वास्तव में चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण है, क्योंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है। तो इसका अगर सम्मुख कोण हमें पता लग जाए, ये वाला, बड़ी आसानी से हम 180 डिग्री से ये घटा के ये पता कर लेंगे। तो हमें ये कोण पता करने के लिए ये देखते हैं कि ये एक त्रिभुज में है, ABC एक त्रिभुज है, इसमें ये कोण आता है। तो हम ये कैसे पता कर सकते हैं? वास्तव में ये त्रिभुज बन रहा है उसकी एक भुजा वृत्त का व्यास है, क्योंकि केंद्र से होकर के जा रही है। तो निश्चित रूप से कोण ACB ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है, इसलिए ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब एक 90 का हो गया त्रिभुज का कोण, एक 30 का है, दोनों जोड़ के 120 हो गए, तो तीसरा कोण 60 डिग्री का बचेगा। क्यों? त्रिभुज के तीनों अंतर्कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, 120 तो हो चुका है इनका योग, तो ये 60 बचा। अब चक्रीय चतुर्भुज ABCD का जो डी कोण बना हुआ है ADC, वो वास्तव में कोण ABC का सम्मुख कोण है, सामने का कोण है, इसलिए इन दोनों का जोड़ 60 और इसका जोड़ 180 होना चाहिए। तो 180 में से 60 घटाएं तो ये बच जाता है और ये 120 डिग्री का होगा, यानी कोण ADC हमारा 120 डिग्री का होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, संलग्न चित्र में कोण ABC 95 डिग्री है, कोण DAC 35 डिग्री है, DAC 35 है, हमें चाहिए कोण ACD ये वाला। तो ये कोण भी एक त्रिभुज के अंदर बनना है। अगर हमें ये कोण मिल जाए तो हम इसका मान पता कर सकते हैं, 180 से इन दोनों का जोड़ घटाएंगे। तो ये तो हम देखते हैं कि ये जो कोण है वो वास्तव में चक्रीय चतुर्भुज ABCD के ABC कोण जो है उसके सामने का कोण है। तो 180 में से अगर ये घटा दें तो इसके सामने का कोण आ जाएगा, तो 180 में से हम घटाएंगे 95, तो ये 85 डिग्री बचेगा, यानी ये कोण हमारा 85 डिग्री है। अब त्रिभुज के तीन कोण हैं, उसमें दो कोण के मान मालूम है, इन दोनों को जोड़ें और 180 से घटाएं तो तीसरा कोण मिल जाएगा, यानी 35 प्लस 85 अगर जोड़ें तो ये 120 आता है। अब 180 में से अगर ये जोड़ घटा दें तो हमें तीसरा कोण ये वाला मिलेगा, तो ये 60 डिग्री का होना चाहिए, यानी ये 60 डिग्री, यानी कोण ACD बराबर 60 डिग्री।